जानवरों की चर्बी से बनाया जा रहा था नकली घी और पुलिस ने छापेमारी में बरामद किए हैं हड्डियां और जानवरों के पैर और खोर। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला का मामला का ये जो पूरा मामला है हमारे सामने आगरा जिले से आ रहा है, जहां पर पुलिस वालों को पता चला कि एक फैक्ट्री में जो है नकली घी बनाया जा रहा है। तो उन्होंने अपनी टीम के साथ और फोरेंसिक टीम को साथ में लेके वहां पर छापा मारा। जब छापा मारा वहां पर, तब वहां पर जाके उनको पता चला कि वहां पर घी तो बन रहा है पर ये एक नकली घी है। जहां पर उन्होंने काफी सारी चीजें जैसे कि बड़े का जो चर्बी रहती है उसको बरामद किया, गधे की चर्बी को बरामद किया है, सुअर की चर्बी को वहां पर बरामद किया है, और जो कि बड़े के जो कि जो गाय रहती है उसके खोर को वहां पर बरामद किया गया है। इन सब चीजों को देखते हुए वहां पर जब देखा तब चूल्हे के ऊपर जानवरों की चर्बी को पिघलाया जा रहा था जिससे वो घी बन रहा था और उस घी को डिब्बों में पैक किया जा रहा था। और उस दौरान ही पुलिस वालों का कहना ये है कि वहां पर कम से कम जानवरों के जो कि पुलिस के मौके पर जब पहुंचे वहां पर 125 किलो एक्चुअली में चर्बी उन्होंने वहां से बरामद की है, देसी घी जिसमें बन रहा था। उसी के साथ उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उसी के साथ उन्होंने फैक्ट्री के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। जिस 4 लोगों को गिरफ्तार किया, एक मालिक को गिरफ्तार किया, 2 लोग वहां से फरार हो गए हैं। और वो बोलता है कि जानवरों की चर्बी को बीच में डब्बे में मिक्स करके डालडा और रिफाइंड को मिक्स करके बनाया जाता है, 23 रुपए में वो बन जाता है और वो 60 रुपए में आगे बेचता है और आगे वाला जो बंदा है वो 200 रुपए में प्रति किलोग्राम तक वो बेचता है। तो कितना ज्यादा ये गैंग है, कितना ज्यादा ये माफिया है जो कि ये लोग बना के बैठे हैं। ऐसे सब लोगों के ऊपर क्या कदम उठाने चाहिए जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।